खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। और लगातार कोरोना वॉरियर्स के भी कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही है। उसी क्रम में भरतपुर एसपी का सुरक्षा कर्मी भी हुआ है कोरोना संक्रमित। उस रानी गांव के जिनेंद्र में मिले हैं कोरोना के लक्षण। जयपुर अस्पताल में भर्ती था सुरक्षा कर्मी जिनेंद्र। भरतपुर एसपी का सुरक्षा कर्मी भी हुआ है कोरोना संक्रमित। उस रानी गांव के जिनेंद्र में मिले हैं कोरोना के लक्षण। जयपुर अस्पताल में भर्ती था सुरक्षाकर्मी जिनेंद्र। अब खबर ये कि भरतपुर एसपी का सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुआ है। उस रानी गांव के जिनेंद्र में मिले हैं कोरोना के लक्षण। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब से कोरोना के केसेस आ रहे हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स और उनके साथ देने वाले सहकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब कोरोना संक्रमित भरतपुर एसपी का सुरक्षाकर्मी। उस रानी गांव के जिनेंद्र में मिले हैं कोरोना के लक्षण। जयपुर अस्पताल में भर्ती था सुरक्षाकर्मी जिनेंद्र। उसरानी गांव के जिनेंद्र में कोरोना के लक्षण मिले हैं, तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से इनकी जांच होती है, किस तरह से इनको कहां पर क्वारंटाइन किया जाता है, कहां पर इलाज किया जाता है और क्या कुछ केस हिस्ट्री रही होगी, ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस रानी गांव के जिनेंद्र में कोरोना के लक्षण मिले हैं। जयपुर अस्पताल में भर्ती था सुरक्षाकर्मी जिनेंद्र। और दीपक लवाणिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, भरतपुर एसपी के सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लक्षण पाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, ये कहां से आए थे, क्या लगातार ये एसपी के साथ ही रह रहे थे? बिल्कुल खुशबू, रोजाना भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी सुबह 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें उसरानी गांव के जो निवासी हैं जिनेंद्र, वो एसपी जो हैदर अली जैदी हैं भरतपुर के, उनके सुरक्षाकर्मी हैं। जयपुर में उनका इलाज चल रहा था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहां उनकी जो जांच हुई है उस जांच में उनको एसपी हैदर अली जैदी के सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ थे, और जो चिकित्साकर्मी की जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो थोड़ी देर बाद एसपी कार्यालय पहुंचेगी। वहां स्क्रीनिंग का कार्य जो कर्मचारी है उनके साथ शुरू किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस महकमा है वहां काफी हलचल मची हुई है। जी बिल्कुल, ये चिंता का सबब। और दीपक, ये कितने दिन से हॉस्पिटल में थे, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह भी निकाली गई है क्या? बिल्कुल, अभी जो सीएमएचओ हैं वो उन्होंने अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसमें यह है कि इनको सीने में दर्द की शिकायत थी और जयपुर में जाकर इन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था और वहां उनकी जांच हुई है। जांच के दौरान ये बात निकल कर आई है। लगातार नजर रहेगी। दीपक, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के।